नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आपके लिए रिलेवेंट है आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए। ये चल रहा है मई, इंग्लिश में बोलूँ तो मई चल रहा है, आने वाले 4, 5, 6, 7, 8 महीने, इवन जब तक सरकार का बजट नया नहीं आ जाता तब तक ये टॉपिक आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले 6 महीनों में सारे एग्जाम्स आपके कंडक्ट होने वाले हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो या इसके साथ ही स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो या अदर कोई एग्जाम्स हो, तो वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि ये टॉपिक है ही कुछ ऐसा। इस टॉपिक का नाम है बजट। ठीक, बजट अपने आप में एक वर्ड ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब लगता है ना कि अगर हम सब कुछ पढ़ लिए हैं, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़े हैं, तो कुछ लगता है ना कि मतलब यार कुछ छूट रहा है, मतलब ये चीज़ें मेरी तैयार नहीं है। अगर कहीं से बजट इकोनॉमिक सर्वे हो जाता तो शायद कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की शॉर्ट आउट के लिए परीक्षा प्लस आप सभी लोगों के लिए 4 टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। पहला फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कंटिन्यू 2 साल के लिए इंपॉर्टेंट है। बजट, यूपी बजट यानी स्टेट बजट, आने वाले 5, 6, 7, 8 महीनों में जितने भी एग्जाम्स आपके लगने वाले हैं उन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और रहा यूनियन बजट यानी केंद्र का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, जब भी बात बजट की होती है तो स्टेट बजट को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता आमतौर पर जितना कि सेंट्रल बजट को दिया जाता है। ये यथार्थ है और आपको स्वीकार करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम राज्य के बजट को इग्नोर करके हुए निकल चलें। जो भी हमारे बजट में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें हम देखेंगे, साथ ही साथ में जो हमारे सरकार का घाटा है वो देख लेंगे, कितना बजट रखा गया है, एलोकेट किया गया है वो हम देख लेंगे। इसके साथ ही अगर कहीं कुछ सरकार ने राज्य में किसी जिले में कुछ नया स्टेबल करने की कोशिश की है, घोषणा की है, तो उन्हें भी हम कवर करते हुए निकलेंगे। इसके साथ ही में बजट का आप देखेंगे तो कुछ ट्रेडिशनल पक्ष होता है उसे भी हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे। इवन बजट का जो ट्रेडिशनल पक्ष है, जब हम अपना यूनियन बजट नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे तो वहाँ हम डिटेल में देखेंगे पूरा बजट का। एक तरफ हम देख लेंगे जो ट्रेडिशनल है और करंट का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हम एक तरफ देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे बस एक हम आपको आउटलाइन दे रहे हैं और यूपी बजट पे पूरा फोकस होगा। इसके साथ ही मैंने कोशिश की है आपको यूपी बजट में बताने की कि यूपी बजट में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे सरकार ने अपना ध्यान आकर्षित किया है। और साथ ही में सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया है कि किस योजना के तहत कितने फंड एलोकेट किए गए हैं। अगर भारत सरकार 100 रुपये यानी 1 रुपये कमाती है तो उन 1 रुपये में कितना कितना पक्ष अन्य मदों में खर्च किए जाते हैं, और अगर भारत सरकार को 1 रुपये की प्राप्ति होती है तो 1 रुपये की प्राप्ति में कहां कहां से कितना पैसा सरकार के पास आता है। देखिए, सरकार जितने भी पैसे खर्च करती है तो जाहिर सी बात है खर्च करने के लिए एक दूसरा पक्ष होता है इनकम यानी आय। सरकार की इनकम और सरकार का व्यय, इन दोनों को बैलेंस में लेकर सरकार चलती है, और इन्हीं के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं कि सरकार का बजट कैसा है। कृषि आधारित है, उद्योग आधारित है, या रोजगार पे ज़्यादा फोकस किया गया है, हो सकता है कि सामाजिक आर्थिक विकास पे ज़्यादा फोकस किया गया है, हो सकता है कि पब्लिक पॉलिसीज़ के माध्यम से मार्केट में सरप्लस करेंसी को फ्लो करने की योजनाएं रखी गई हैं, हो सकता है कि वृद्ध जो हमारा समुदाय है या जो हमारे श्रेष्ठ या सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ओरिएंटेड करके बनाया गया है। या भाई विपक्ष तो हमेशा कमेंट करती है कि जो भी बजट है ये अमीरों के लिए बनाया गया है, गरीबों का बजट है ही नहीं, तो क्या कैसे टिप्पणियां हैं। हम उन सारे चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ बजट से अपनी काम की चीज़ों को निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। सरकार क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है, जनता क्या कहती है, आपसे कोई मतलब नहीं है। आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की पर्सनल आइडियोलॉजी क्या है डजंट मैटर। एग्जाम में आपका वो क्वेश्चन सही होना चाहिए, बात खत्म। आगे हम भी देखेंगे कि बजट में क्या कहा गया है, क्योंकि सच में बजट इस बार बहुत ज़्यादा एलोकेट फंड किया गया है। ठीक है, सो इतने बजट अगर पैसा
इतना सरकार खर्च कर रही है तो उन कौन कौन से मुद्दों पे खर्च कर रही है, इस पे हम चर्चा करेंगे एक बार, ठीक है। सो आज हम अपने बजट को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर इससे पहले फॉरेस्ट रिपोर्ट की क्लासेस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट आपने नहीं देखा है तो आप एक बार फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट जनवरी में ही आ चुका है 2021 के नाम से। 2022 में आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है 2021 के नाम से, उस रिपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट का आए हुए ऑलरेडी 4-5 महीने हो चुके हैं। और जब भी आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर को तैयार करते हैं, तो इस लिहाज से जो आने वाला आपका एग्जाम है तत्काल में, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, लेखपाल का हो, या बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, तो इन तीनों के लिहाज से प्रेजेंट टाइम में जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो, और जो आपका बजट है स्टेट एंड यूनियन, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखता है और आपको जानना चाहिए, ठीक है। एक बार हम बजट पे आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। सबसे पहले बजट पे यही लिखा हुआ है कि यूपी बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का 22 और 23 में बजट अनुमान एवं बजट भाषण। देखिए यहाँ पे एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अनुमान। जब भी बजट आता है तो मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बता दूं कि बजट में बेसिकली 3 चीजों पे फोकस किया जाता है। जब भी बजट आता है 3 चीजों पे, जैसे प्रेजेंट टाइम का जो बजट है ये 2022 और 2023 का है, ठीक। तो इससे पहले एक और भी आया होगा 21 और 22, और इससे पहले एक आया होगा 20 और एक आया होगा 21, ठीक। बजट में ये 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और बजट को लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि ये डेटा कह क्या रहा है। शॉर्ट टर्म में समझिए कि ये डेटा एक चीज कहता है कि जो विगत वर्ष है, ये वर्तमान वर्ष है, वर्तमान वर्ष हमेशा अनुमानित होता है। क्या होता है? अनुमानित, ठीक है। मतलब ये एज्यूम किया जाता है कि इस मद पे सरकार इतने पैसे खर्च करेगी, लेकिन सपोज दैट कोई ट्रेजडी हो जाए, कोविड की तीसरी या चौथी लहर एक बार आ जाए और सरकार को लगे नहीं इस मद के लिए हमने इतना खर्च करने के लिए प्रस्ताव रखा था बट इसका खर्चा ज्यादा हो गया, तो सरकार को पता नहीं है कि किस मद में कितना खर्चा होने वाला है, इसलिए वर्तमान वर्ष का अनुमानित बजट होता है जो कि यहां पर कहा गया है। पहली चीज ये क्या है, ये वर्तमान है, ये चीज आप देखिए ध्यान दीजिएगा। वर्तमान जो लास्ट यानी सेकंड वाला है 21-22 का, जो आप इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं, ये आपका संशोधित होता है। क्या होता है? संशोधित। संशोधित मतलब समझिएगा थोड़ा सा कि 2021-22 में हो सकता है कि सरकार ने कहा हो कि हम मेडिकल फैसिलिटीज पे 1 रुपए या 100 रुपए खर्च करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सरकार ने कहा कि हम मेडिकल फील्ड में 100 रुपए खर्च करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोविड का तीसरा सिनेरियो आ गया, तीसरा वेव आ गया कोविड का, सरकार को लगा नहीं अब हमें यहाँ 120 रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ रही है, तो जो आपका 20 रुपए एक्स्ट्रा है, ये 20 रुपए एक्स्ट्रा है, इसमें फिर सरकार बताएगी कि जो हमने 100 रुपए पहले कहा था, दरअसल अब ये बढ़ के 100 नहीं 120 हो गया है, ये आपका संशोधित आंकड़ा होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में जो आपका 20 और 21 है, ये आपका वास्तविक आंकड़ा होता है, ठीक। तो इन 3 चीजों को ध्यान रखिएगा, अनुमान आया है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि अभी जब मैं लास्ट में डेटा पे बात करूंगा तो डेटा में भी आप उन 3 चीजों को देखेंगे कि वास्तविक है या संशोधित है या अनुमानों के आधार पर है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, मैं मान के चलता हूं, ठीक है। सो ये चीजें हैं, यहां पे आपको ध्यान देने योग्य कौन सी है कि आपके जो इस समय यूपी के वित्त मंत्री हैं ये सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब हम कुछ बजट पे चर्चा करते हैं, ठीक। देखिए मैं सेंट्रल बजट की अभी कोई बात नहीं करूंगा, सेंट्रल बजट की बात मैं आपसे कल करने वाला हूं। जब मैं सेंट्रल बजट की बात करूंगा तो सेंट्रल बजट में हम व्यापक स्तर पर चीजों को देखेंगे, यहां भी देखेंगे, बट यहां पे हमारा पूरा फोकस यूपी बजट पे होगा, ठीक। अगर मैं स्टेट बजट की बात करूं तो स्टेट बजट का जो उल्लेख है यह भाग 6 में किया गया है। देखिए स्टेट बजट ही नहीं, राज्य सरकारों का उल्लेख भाग 6 में किया गया है, पहली बात आप समझिए।
अगर राज्य सरकार में राज्यपाल की बात करें तो उसका भी नाम भाग 6 में आएगा, मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी भाग 6 में आएगा, राज्य की मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की मैं बात करूं तो वो भी भाग 6 में ही आएगा, अगर मैं विधानसभा विधान परिषद की बात करूं तो वो भी भाग 6 में आएगा। जैसे कि आपने देखा था भाग 5 पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद आती है, साथ ही में आप देखेंगे प्रधानमंत्री भी उसी में आते हैं, और अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा भी भाग 5 में आते हैं। उसी प्रकार इन सब का उल्लेख भाग 6 में किया गया है। सो ये चीज़ों पे आप थोड़ा फोकस करिएगा। हमारे आर्टिकल 102 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं यूनियन बजट की, यूनियन बजट में 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, और यहां भी आपको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बताया गया है, पहली चीज। दूसरी बात, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 199 में किया गया है, वहीं पर विनियोग विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 204 में किया गया है, अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान अनुच्छेद 205 और लेखा अनुदान 206 और वित्त विधेयक 207 में किया गया है। ये सारी चीजें क्या है, अब एक बार हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक। जब बात हो ही रही है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी चीजें हम स्टेट बजट में देख लेंगे। धन विधेयक की मैं बात करूं तो सरकार अपने जिन भी मदों को या टैक्स से रिलेटेड खर्चे होते हैं उनको सरकार जब प्रेजेंट करती है तो धन विधेयक के माध्यम से करती है। धन विधेयक हमेशा विधानसभा में लाया जाता है, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के पास धन विधेयक के मामले में सीमित शक्तियां होती हैं। अगर विधानसभा धन विधेयक से को पास करता है, यानी विधानसभा धन विधेयक को पास करके विधान परिषद में भेजता, जैसे यूपी में हाल है, तो विधान परिषद के पास धन विधेयक को लेकर सीमित शक्तियां हैं और वह सिर्फ 14 डेज तक अपने पास रख सकता है, कोई संशोधन नहीं कर सकता, सिर्फ संशोधन का सुझाव दे सकता है, दूसरा सदन इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब विधानसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे डजंट मैटर, आफ्टर 14 डेज के बाद आप देखेंगे कि वह बजट प्रस्तुत माना जाता है अगर 14 डेज तक विधान परिषद उसे रोक के रखती है। अगर मैं बात करूं धन विधेयक के मामले में तो धन विधेयक के मामले में विधानसभा को अधिक शक्तियां मिली हैं, विधान परिषद को सीमित शक्तियां मिली हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं या विधानसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल विधानसभा धन विधेयक को पर वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है और धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। विनियोग विधेयक, जब किसी भी विधेयक के माध्यम से, किसी भी विधेयक का मतलब है जब आप वित्त विधेयक लेते हैं, या मीन यूं कहिए कि अगर आपको अपने संचित निधि से फंड रेज करना होता है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, तो सरकार सदन में विनियोग विधेयक के माध्यम से पूरा करती है, ठीक। ये चीजें आप समझ गए। अतिरिक्त एवं अनुपूरक बजट है, जैसे कि आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं सेंट्रल की, तो सेंट्रल बजट हमारे यहाँ देखते हैं कि फरवरी के फर्स्ट डे पर प्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अगर स्टेट की मैं बात करूं तो स्टेट के इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेजेंटिंग का टाइम क्या है। अगर ये तब किया जाता है ऐसे सिचुएशन में जब सरकार के पास कोई नई सदन चल रही है और बजट में अभी वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, उससे पहले सरकार को लगता है हमारे आने वाले 2 महीनों के लिए जो फंड है उसकी जरूरत है, तो सरकार अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से लेकर आती है और इसमें संपूर्ण बजट का आप 1/6 यानी 1/6 फंड यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में मैं बात करूं तो 2 के क्वार्टर में इसे किया जाता है, ठीक। तो 1/6 जितना भी, जैसे सपोज इट मान लीजिए कि आपको 6 रुपए का आपका बजट है तो 1 रुपए आप अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान से आप ले सकते हैं। मैं लेखा अनुदान और वित्त विधेयक जब हम अपना सेंट्रल बजट देखेंगे तो देख लेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मैंने आपको पहले बताया है, अब मैं बात करता हूं अपने बजट की, जो बजट में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सरकार किन बातों को रख रही है विधानसभा में, हम वो चर्चा करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि 86 लाख लघु सीमांत एवं कृषकों को फसली ऋण प्रोवाइड किया गया है, ठीक। देखिए कोई भी सरकारें हों
उनका एक कहीं ना कहीं मोटो होता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए एग्रीकल्चर के लिए, जिससे कि हमारे यहाँ जो किसानों की आत्महत्या की प्रवृत्ति है उसको सीमित किया जा सके और किसानों को या जो हमारे मजदूर वर्ग हैं या हमारे दूर दराज के कृषक हैं उन्हें भी सामाजिक विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, ऐसा मानना सरकार का है। और साथ ही साथ में अगर आप देखते हैं कि अगर सरकार प्रॉपर तरीके से उन्हें ऋण प्रोवाइड करती है तो सामाजिक स्तर पर या लोकल एरिया में उनका शोषण कम होता है, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं वही बात करूँ तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जो गन्ना मूल्य भुगतान है वो उस भुगतान में यूपी गवर्नमेंट आपका पहले नंबर पे है। देखिए बजट में बहुत चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी, सरकार दावा करता है हम नंबर एक पे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि क्षेत्रफल में भी आप बड़े हैं, जनसंख्या के मैटर में भी आप बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा तो नंबर एक पर आप ही होंगे। सपोज दैट अगर मैं बात करूँ सुकन्या समृद्धि योजना, अकाउंट में भी आप ही होंगे। अगर मैं बात करूँ सौभाग्य योजना, उसमें भी आप ही होंगे, ठीक। अगर मैं इसमें इस अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, उसमें भी नंबर आप ही होंगे। रीज़न है कि आपका ज्योग्राफिकल एंड पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि इम्प्लीमेंटेशन करने में आप नंबर एक पे होंगे, इसमें कोई संदेह वाला विषय नहीं होना चाहिए, ठीक। सो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं फैक्ट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इजिली नोट कर सकें और इसका जो PDF है ऑलरेडी परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं और शॉर्ट की पॉइंट है जो कि मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूं, ठीक। दो पॉइंट को हमने देख लिया है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ ही सरकार कह रही है कि PM सम्मान निधि योजना के तहत 2.55 करोड़ किसानों को 6000 वार्षिक सहायता में राज्य प्रथम स्थान पर है, जो मैंने आपको पहले बताया। देखिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना इसके तहत सरकार क्या कहती है, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। देखिए पब्लिक पॉलिसीज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितना फंड एलोकेट किया गया है, डजंट मैटर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए वो लाया गया है, ठीक, ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। इसीलिए आप देखेंगे तो मैंने सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें एक बार आपकी नज़रों के सामने से निकालने की कोशिश किया है, ठीक। इसी के साथ ही में अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य है, लखनऊ, बनारस, अयोध्या, नोएडा और कुशीनगर। अगर मैं नोएडा की बात करूं जेवर एयरपोर्ट, तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयर एंड हाईटेक एयरपोर्ट है जो रिसेंटली में अभी काम चल रहा, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें आप देखेंगे, 5 लखनऊ, बनारस, अयोध्या, नोएडा और कुशीनगर, ये 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पूरे देश में पहला राज्य है भारत। मैंने कहा ना कोई संदेह नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन भी बहुत है, ठीक। वहीं पे अगर मैं बात करूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो यूपी है ये आपका सेकंड रैंक पर स्टैंड करता है, ये चीज़ें आप देखिएगा। अगर मैं वही बात करूं मिशन शक्ति अभियान की, तो इसके अंतर्गत क्या कहना चाहता है सिर्फ आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित अपराधों को प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार मिशन शक्ति अभियान को लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं भारत में क्राइम रेट की, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहां कोविड से उतनी डेथ रेशियो नहीं है जितने यहां हमारा एक्सीडेंट का डेथ रेशियो है, ठीक है, लेकिन सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। अगर कोविड सिनेरियो से मरने वालों की संख्या 10 है तो सरकार का उस पर ध्यान है, लेकिन अगर एक्सीडेंट सिनेरियो में अगर 8-10-20 लोग भी मर रहे हैं तो सरकार का उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ एवं रामपुर में ATS निर्माण की योजना बनाई गई है। कितने राज्यों में? 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ATS निर्माण की योजना यूपी सरकार लेकर चल रही है। और अगर मैं वहीं पे बात करूं एयरपोर्ट की, तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको आपके यूपी में देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे मैं बोल रहा हूं आप नोट भी कर लेंगे चलेगा, क्योंकि एग्जाम में लगभग ऐसे ही पूछेगा, कहानी आपसे नहीं पूछने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर बजट आया है तो
तो बजट है कितना अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, ऐसा मीडिया भी कह रही है और विपक्ष भी कह रहा है। ठीक है, एक बार बजट देख लेंगे। लिटरली में है बहुत ज्यादा बड़ा बजट है, पहली बार ऐसा है। कितना है? 6,15,518,97 लाख करोड़ का ये बजट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये डेटा नहीं, ये डेटा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा आपके लिए वह इंपॉर्टेंट है कि सरकार का राजकोषीय घाटा कितना है। आप डेटा लेके क्या करेंगे? कभी नहीं पूछेगा कि भारत सरकार का बजट कितना है। बजट भी पूछेगा ना तो राउंड फिगर में पूछेगा, इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा, सीट दे देगा 6,15,000 करोड़ के आसपास। मतलब 6,15,000 करोड़ के आसपास का भारत का बजट है, आगे पीछे का डेटा दे देगा और आपसे वहीं पे खेलेगा। इतना नहीं देगा कि लास्ट का 9,7, 9,8, 9,6, 9,5 कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक, अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट में दो चीजें होती हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूं तो बजट में अगर आप देखेंगे तो एक है बजट में प्राप्ति और एक है व्यय। मैं यहां पे आय नहीं लिख रहा हूं। ठीक, मैं आय क्यों नहीं लिख रहा हूं? उसके पीछे का एक लॉजिक है, क्योंकि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण की भी मदद लेती है, मतलब फंड रेज करती है, बाजार से उधार लेती है। और जब भी आप बाजार से उधार लेते हैं तो वो आपका आय नहीं माना जाता, इसीलिए मैंने प्राप्तियां लिखी हैं, आय नहीं लिखा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आप प्राप्तियां लिखिए, आय का यूज मत करिए। टेक्निकली ठीक नहीं है, व्यवहार में बोलचाल की भाषा में आप आय और व्यय कह सकते हैं। ठीक है, तो एक है सरकार की प्राप्ति और एक है व्यय। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपका ध्यान आकर्षित करूं तो प्राप्तियों में भी और व्यय में भी दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या? एक है प्राप्तियों में कि राजस्व प्राप्ति कितनी है, राजस्व, और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति कितनी है। सेम एज व्यय में आपका राजस्व व्यय कितना है और यहां पे आपका पूंजीगत व्यय कितना है। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी बजट में। जब बजट का आप डेटा खंगालेंगे तो बजट में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये क्या है? जब हम अपना यूनियन बजट देखेंगे तो बजट का ट्रेडिशनल पार्ट में एक बार हम ध्यान दे लेंगे कि राजस्व प्राप्तियों में कौन है, पूंजीगत प्राप्तियों में कौन शामिल है, और राजस्व व्यय में कौन है, और पूंजीगत व्यय में कौन है। ठीक, क्या क्या चीजें हैं, कौन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, इन सारी चीजों के एक बार अपने यूनियन बजट में देख लेंगे। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं कुल प्राप्तियों की, तो सरकार का जो कुल प्राप्ति है 5,90,951 लाख करोड़, ये है आपका कुल प्राप्ति। अगर मैं कुल प्राप्ति की बात करूं तो राजस्व प्राप्ति कितनी है और पूंजीगत प्राप्ति कितनी है। अगर मैं राजस्व प्राप्ति की बात करूं तो 4,99,000 करोड़, और अगर मैं पूंजीगत प्राप्तियों की बात, आई मीन पूंजी राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, दो प्राप्तियां हैं, सॉरी, 91,739 लाख करोड़। इसके साथ ही में अगर मैं बात करूं कुल व्यय यानी एक्सपेंडिचर की, तो 6,15,000 करोड़, जो कि ऑलरेडी आपका कुल बजट है। दरअसल आपका कुल बजट ही आपका कुल व्यय होता है, आपकी प्राप्तियां कुछ भी हो, ठीक है, डजंट मैटर आपकी प्राप्ति क्या है। ये डिपेंड करता है कि आपका व्यय कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, और जितना आपका खर्चा होता है वही आपका बजट होता है। क्योंकि अगर प्राप्तियां आपकी कम है या ज्यादा है वो डिपेंड करता है कि आपका इनकम ऑफ सोर्स कितना है। ठीक, अगर आपका इनकम ऑफ सोर्स कम है, आपकी प्राप्तियां कम है, व्यय ज्यादा है, तो आपका बजट घाटे का होगा। और अगर आपकी प्राप्तियां ज्यादा है, बजट आपका व्यय कम है, तो आपका बजट अधिक का होगा। और अगर आय और व्यय समतुल्य है, बराबर है, तो बजट आपका संतुलित बजट माना जाता है, या सामान्य बजट माना जाता है, संतुलित बजट माना जाता है। ठीक, तो इन चीजों को हमने देखा कि आपकी पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय कितनी है, ये मैंने देखा। अगर मैं व्यय की बात करूं तो 6,15,000 करोड़, और वही मैं राजस्व व्यय की बात करूं तो 4,56,000 करोड़, या राउंड फिगर की मैं बात नहीं कर रहा, मोटा मोटे आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं, 4,56,089 लाख करोड़ की ये बात कह रहा है कि ये आपका राजस्व व्यय है। अब राजस्व व्यय में थोड़ा सा और देख लेते हैं। राजस्व व्यय में अगर मैं पूंजीगत व्यय की बात करूं तो पूंजीगत व्यय में भी 91,739 करोड़, और अगर वही मैं सरकार के घाटे की बात करूं तो सरकार का घाटा 24,576 लाख करोड़ का आपका घाटा है। वहीं अगर मैं राजस्व बजट की बात करूं तो 43,123
हजार करोड़ की बात कर रहा है कि ये सरकार का इतना राजस्व का बजट होने वाला है। आप ये डेटा देखेंगे तो बजट में आपको नजर आएगा। ये डेटा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या वो मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ, ठीक। भारत का राजकोषीय घाटा कितना है ये आपसे पूछेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3.96% कितना स्टेट जीडीपी का, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने हैशटैग किया है। राज्य सरकार अंत्योदय खाद्य योजना के तहत नमक, साबुन, चना, खाद्य तेल कब से दे रही है? दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक देने का घोषणा किया था, बाद में सरकार ने फिर से इसको अप्रैल 2022 से जून 2022 तक एक्सटेंड करती है, ठीक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या अंत्योदय खाद्यान्न योजना में क्या शामिल है वो इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। या लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है कि कब तक देने के लिए कहा है सरकार ने, तो 5 जून 2022 तक कहा है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत 1.67 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य है। मैंने कहा ना कि पहले पे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जनसंख्या इतनी बड़ी है, ज्योग्राफिकल रीजन इतना बड़ा है कि हम हर चीज़ में नंबर वन होंगे ही होंगे, ठीक है। सो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? आप कहेंगे कि गैस कनेक्शन वितरण से है, बस इससे ज़्यादा सरकार आपसे कुछ नहीं पूछेगी आपके एग्जाम में। हालांकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें नहीं पूछेगा, आगे पूछता है, ठीक है। और टॉपिक्स हम देख ले रहे हैं। पीएम आवास योजना में सबसे बड़ी बात है कि पीएस आवास योजना में क्या शामिल है, तो पीएम आवास योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों को शामिल किया गया है। और इसमें कहा गया है कि 42,50,000 करोड़ फंड एलोकेट किए गए हैं। वहीं मैं बात करूं सौभाग्य योजना की, तो सौभाग्य योजना में मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रोवाइड करने की घोषणा की गई है। कितना किया गया है? 1,41,00,000 मुफ्त कनेक्शन। इस सरकार के आंकड़े हैं, ठीक। देखिए हमारे यहाँ किसी भी गांव को पूर्ण विद्युतीकरण कब कहा जाता है, शायद ये परिभाषा आपको ना पता हो। देखिए हमारे यहाँ कभी भी अगर पूर्ण विद्युतीकरण की बात किया जाता है तो किसी भी ग्राम सभा में अगर 10% घरों में भी अगर बिजली कनेक्शन है तो उस गांव को पूर्ण विद्युतीकरण माना जाता है। आप सोचिए कि गवर्नमेंट का डेटा कितना बेहतर है। 100 घर हैं, 100 घर में अगर 10 घरों में भी लाइट है तो यह मान लिया जाता है कि पूर्ण विद्युतीकरण उस ग्राम का किया जा चुका है। अभी कितना रिलेवेंट है ये आपको पता है, मुझे बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं मिशन शक्ति अभियान की, तो मिशन शक्ति अभियान के अंदर आप देखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य महिलाएं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों को प्रभावी रोकथाम हेतु जो आपकी गवर्नमेंट है मिशन शक्ति अभियान को लेकर आ रही है या इसकी बात कर रहा है, ठीक। इस चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए। देखिए मैं भी फंड नहीं बता रहा हूँ, फंड में सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि सरकार ने कितना फंड एलोकेट किया है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है मेरे दोस्त। जरूरत क्या है उस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। देखते हैं आगे, अगर मैं वही बात करूं तो गवर्नमेंट ने बजट में एक चीज़ और मेंशन किया है, सेफ सिटी योजना। सेफ सिटी योजना क्या है? सेफ सिटी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। और कितने राज्यों में है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है? तो 3 और 3 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है। कौन कौन सा? लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, बनारस और प्रयागराज। तो इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखेंगे कि आपका सेफ सिटी योजना है। अगर वही मैं 5 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहीं पे मैं बात करूं तो 5 ही डिस्ट्रिक्ट में ATS की बात की गई है, ठीक। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि UP फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये दिसंबर 2018 में स्टार्ट किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि किसानों के खातों में DBT के माध्यम से पैसों का हस्तांतरण करना। DBT क्या है? DBT का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका सीधा सा मतलब है जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में 14 में
तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे योजनाओं को इंप्लीमेंट किया था, या तो नए सिरे से लागू किए, या जो बहुत सारी एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजनाएं चल रही थी उनका विलय कर दिया गया, या अगर बहुत सारी योजनाएं पुरानी हो गई हैं तो उनका नाम ही बदल दिया गया। ठीक है, सो आप देखेंगे कि जब पहली गवर्नमेंट आई थी मोदी साहब की, तो बहुत सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया और ग्रामीण स्तर पर सीधे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने डीबीटी का उपयोग किया। और डीबीटी के तहत जो सरकार ने पहला कदम उठाया था वो था आपका जैम। क्या था? जैम। अब जैम का मतलब क्या है? जनधन, आधार और मोबाइल। ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का जनधन यानी अकाउंट ओपन किया जाएगा, आधार से उसे लिंक किया जाएगा और उसे मोबाइल के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसे ग्राउंड लेवल तक विद इन द मिनट में पहुंचाया जा सके। अटल साहब की सरकार थी तो अटल साहब भी कहते थे हमारे यहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक जादू चलता है कि अगर केंद्र सरकार एक रुपये अगर किसी भी योजना पर व्यय करती है तो लास्ट एंड में सिर्फ 20 ही पैसे पहुँचते हैं, 80 पैसे कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। ठीक, तो जब मोदी साहब आए उन्होंने भी इसमें चेंज किया और चेंज करने के बाद में वो जैम लाते हैं और इस जैम के माध्यम से वो डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट में सीधे बेनिफिट पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई सब्सिडी है तो सब्सिडी का भी जैम या डीबीटी के माध्यम से किसानों को उसका लाभ पहुंचाया जाता है। सो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, इसी के साथ आप देखेंगे कि पीएम किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत ये जो शुरुआत किया गया 14 सितंबर 2019 में किया गया, इसमें कहा क्या जाता है? इसमें कहा यह जाता है कि अगर कोई किसान है, पहला चीज, अगर कोई किसान है या कोई किसी की खेती को पट्टे पे लेके खेती कर रहा है, एग्रीमेंट है तो भी है, या सह खातादार है, ऐसी सिचुएशंस में अगर उस किसान की डेथ होती है, मतलब कहने का है कि अगर वह परिवार का एकमात्र जीविका चलाने वाला व्यक्ति है और उसकी डेथ होती है, तो ऐसे स्थिति में सरकार उसे 5 लाख रुपए मुआवजा देगी या उत्थान के लिए 5 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही मैं अगर मैं बात करूं तो पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत जो किसानों को क्षेत्रों में सोलर पंप का लगाने के लिए 15,000 पंपों का घोषणा किया गया है। देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आ रही है एग्रीकल्चर में वो आ रही है फ्यूल की। डीजल और पेट्रोल के दाम इतने महंगे होते जा रहे हैं कि कृषि भी महंगी होती जा रही है। कृषि महंगी इसलिए हो रही है क्योंकि इनपुट कास्ट ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, और इकोनॉमी की भाषा में अगर हम कहें तो अगर किसी वस्तु की लागत कीमत बढ़ जाए, उसको बनाने में जो हमारी कच्चा माल है या श्रम है वो महंगा हो जाए, तो डिमांड बढ़े या ना बढ़े उस वस्तु की कीमतें बढ़ ही जाती हैं। और अगर आपका इनपुट कास्ट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें से एक ही चीज़ प्रभावित होगा, वो है आपका लाभ। हालांकि अगर ऐसा सिनेरियो खड़ा होता है तो भारत सरकार या राज्य सरकारें भी जो मतलब इनका प्लान है कि 2022 तक किसानों की जो आय है उसे दोगुना करना है, तो सरकार अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने में कहीं ना कहीं असफल होगी, ऐसा कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। ठीक, इसीलिए सरकार की कोशिश है कि जितने भी कृषि में इनपुट कास्ट है उसे कम किया जाए, और कम करने के ही साथ में उनकी जो आउटपुट कॉस्ट है आउटपुट कॉस्ट को बढ़ाया जाए। उसी में एक कदम ये है कि जो भी किसान हैं उन्हें फ्यूल से शिफ्ट करके सोलर पंपों पे शिफ्ट किया जाए, इसीलिए 15,000 पंपों का स्टेबल करने की सरकार बात कर रही है। इसी के तहत देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी भारत सरकार कोशिश कर रही है, एक तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की, एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर इंप्लीमेंट किया जाए उस पर भी मैं आपसे एक बार बात करूंगा, और अभी सरकार लेके आ रही है नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया क्या है और ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे एग्रीकल्चर कॉस्ट को किस प्रकार बेनिफिशियरी करने वाला है इस पर भी हम एक बार बात कर लेंगे। अभी हम अपना बजट देखते हैं, इतनी चीज़ों को हमने देखा है और इसे आप नोट डाउन करते चलिए। इसी के साथ ही मैं बात करूं तो 2021 और 22 में अगर मैं एमएसपी की बात करूं तो जो धान है यानी खरीफ की फसलें हैं उसमें 940 रुपए, और अगर वहीं मैं रबी की बात करूं यानी रबी फसल की, तो गेहूं के लिए 215 रुपए प्रति क्विंटल की बात
कही गई है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो पूरे यूपी में 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 3 महिला पीएससी बटालियन के निर्माण की बात कही गई है। कहां कहां पे है? एक आपका लखनऊ में है, एक गोरखपुर में और एक बदायूं में है। तो ये 3 चीज आप ध्यान रखेंगे। क्या चीज? एक तो आपका 5, फिर से 5, फिर से 6 और फिर से 3। ये डेटा आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं। अगर मैं बात करूं मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा हेतु और सशक्तिकरण तथा कौशल विकास के या एमएसएमई के लिए इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया है, मिशन शक्ति कार्यक्रम को। सिर्फ आपको ये मैटर है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपका सामने है कि कैसे भी करके जो महिलाएं हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए सामाजिक आर्थिक विकास में, ठीक है। आपको आपको भी मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो महिला भागीदारी है वो 49% के आसपास है। और अगर आप मनरेगा की बात करेंगे तो मनरेगा में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 55-60% के आसपास है, ठीक। तो सरकार की ये कोशिश है कि महिलाओं को समाजीकरण और विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए और महिला सशक्तिकरण पर भी बात किया जाए। ये चीजें सिर्फ ग्राउंड लेवल पे ना रहे, निकल करके सामने भी आए, ठीक है। वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आंगनवाड़ी कार्य जो कार्यकर्त्री हैं उनके बेहतर कार्यों हेतु 1500 रुपए प्रतिमा ये प्रोत्साहन राशि के रूप में भी गवर्नमेंट ने देने की बात कही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एक कार्यक्रम है दस्तक। दस्तक कार्यक्रम के तहत अगर आप देखेंगे तो शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश सरकार कर रही है, ठीक। अगर मैं शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर की बात करूं तो हमारे सबसे कम केरल आपको देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ की अगर मैं बात करूं तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों की कम करने की बात कही गई है। लेकिन दस्तक कार्यक्रम में शिशु मृत्यु दर को कम करने की बात सरकार कर रहा है और उनमें कम करने के लिए जो भी पहल होगी सरकार उसे अमल में लाएगी, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूं यूपी सीएम बाल सेवा योजना के तहत कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं या उनके माता पिता से वो प्रभावित हुए हैं तो ऐसे बच्चों की देखभाल एवं भरण पोषण एवं शिक्षा चिकित्सा के लिए सरकार प्रतिमा उन्हें 4000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा करता है, ठीक। ये भी आप देखेंगे, आप देखेंगे कि बजट जो है वो किसी एक बिंदु को लेके सेंट्रलाइज नहीं है, डाइवर्सिफाइड है, हर एक पक्ष को ध्यान में रख कर बनाया गया है। इसी के साथ ही में मैं बात करूं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना का मतलब है कि जो समाज में बाल श्रम है, बाल श्रम को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, ठीक। आपने देखा कि महिलाओं की भागीदारी को जहां सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है वहीं पे बाल श्रम को भी डिमोटिवेट करने की भी कोशिश कर रही है कि समाज से बाल श्रम या बधुआ मजदूरी को समाप्त किया जाए। इसी के तहत अगर आप देखेंगे तो मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का भी गठन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास 2 जनवरी 2022 को किया जा चुका है। अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 शहरों में 2000 करोड़ रुपए तथा राज्य स्मार्ट सिटी में 7 शहरों को शामिल किया गया है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपको फंड से मतलब नहीं, सिर्फ आपको 10 शहर और 7 शहर से मतलब है। राज्य में 7 और फिर अगर मैं केंद्र की बात करूं तो 10 शहरों का उल्लेख किया गया है। इसी के तहत एक सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसहारा गौवंश, यानी जो पालतू जानवर या गाय हैं जो खुले में बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ये मुद्दा सरकार के लिए बहुत ज़्यादा है और सरकार को काफ़ी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा है इस इलेक्शन के दौरान, ठीक है। इसी मुद्दे पे सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही थी, सरकार ने इस पर भी ध्यान देने की पूरी कोशिश की है और बेसहारा गौवंशों के लिए 187 केंद्र खोलने की बात कही है, जिसमें से 171 केंद्र का निर्माण कार्य पूरा कर चुका है, ऐसा सरकार कह रहा है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो बुंदेलखंड क्षेत्र में 5 गौ आश्रमों के स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक। तो ये डेटा आपके सामने है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे आश्चर्यजनक डेटा है जो कि आपको भी लगेगा, बट क्या करें, डेटा डेटा है, ठीक। सरकार कह रही है कि हमने कितने रोजगार दिए हैं। अब ये रोजगार हकीकत है या कल्पना में है हमें नहीं पता। हमारा काम है सिर्फ बजट को आप तक पहुंचाना। मेरा काम बजट को
इंटरप्रेट करने का नहीं है और ना ही मुझे कटाक्ष करने का है। हमें सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कवर करना है। सही है तो सही है और नहीं सही है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आप डेटा पे सिर्फ ध्यान रखिए, पढ़िए, सही आए एग्जाम में आए कर लीजिए, बात खत्म, ठीक है। निजी निवेश के माध्यम से जो सरकार है निजी निवेशों को प्रमोट कर रही है और निजी निवेशों के आने से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, और अगर शहर में नए रोजगार के अवसर सृजन हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और जो पलायन की भावना है कहीं ना कहीं जो पलायन हो रहे हैं लोकल एरिया से उन पलायन को भी हम कम करने में सक्षम होंगे। और जो कृषि पर प्रचंड बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है कृषि में प्रचंड बेरोजगारी को भी हम कम करने की कोशिश करेंगे। प्रचंड बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं जब किसी भी एक क्षेत्र में अतिरिक्त या उससे कहीं ज्यादा श्रम बल लगा हो तो ऐसी स्थिति में उसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। प्रचंड बेरोजगारी का सीधा सा मतलब है कि अगर हम अतिरिक्त लोगों को हटा दें तो वहां उस एरिया का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए। खासकर यह हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है प्रचंड बेरोजगारी। सपोज दैट आज आप देखेंगे तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लघु एवं सीमांत कृषक हैं। लघु एवं सीमांत कृषक में देखेंगे जो आपका जोत का आकार है जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने से जोत का आकार छोटा होता जा रहा है और जोत के आकार को छोटे होने पे आप देखेंगे कि पता चल रहा है लास्ट की तो तीन पीढ़ियाँ हैं बाबा पिताजी और दो तीन बच्चे वो सब उसी एक खेत पे लगे हुए हैं मेहनत करने में, उसका प्रोडक्शन उतना ही है। आप एक लोग करो या छः लोग करो खेत की तो प्रोडक्शन क्षमता उतनी ही रहेगी, अब तीन क्विंटल से सीधा 12 क्विंटल नहीं हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं मतलब एक व्यक्ति सफिशियंट है उसके प्रोडक्शन के लिए, बाकी जो 5 लोग हैं वो प्रचंड बेरोजगार हैं। कोई मैटर नहीं करता कि वो यहां पे इन्वॉल्व हैं या नहीं है। सरकार क्या सोच रही कि इन जो 5-6 लोग हैं प्रचंड बेरोजगार हैं इन्हें हटा के हम जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट में हम उन्हें शिफ्ट करें स्विच करें, इसके माध्यम से सरकार प्रॉपर कोशिश कर रही है, ठीक। सरकार कह रही है कि जो हम विदेशी निवेश ला रहे हैं या घरेलू निवेश ला रहे हैं उसके तहत राज्य में 1,61,00,000 रोजगार उत्पन्न होंगे, ठीक। इसी के साथ ही स्वरोजगार की मैं बात करूं तो 60 लाख लोगों को स्वरोजगार सरकार ने प्रोवाइड किया है। ये सारा डेटा पिछले 5 सालों का है। वहीं मैं अगर नौकरियों की बात करूं, ये कौन सी नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी कितनी है 4.5 लाख 5 वर्षों में। हालांकि इसमें तो और भी नौकरियां थी, सरकार ये भी कह रही है जो अभी ग्रामीण स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर की 56,000 भर्तियां की गई थी, 55-56,000 वो भी इनमें शामिल किया गया है। उसका डेटा अलग से था लेकिन मुझे नहीं लगा कितना रिलेवेंट है आपके लिए, ये डेटा मैं आपके सामने रखना चाहता था इसलिए ये आपके सामने। अगर वहीं मैं 2022 में बेरोजगारी की दर की बात करूं तो 2.9% के आसपास बेरोजगारी दर है। गवर्नमेंट बजट में ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि 2016 या 2014 इनमें जो बेरोजगारी की दर था ये 15% के प्लस में था और प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे यहाँ बेरोजगारी दर है लास्ट के हमने देखेंगे 5 या 6 सालों में इनको कम करके 2.9% की बेरोजगारी दर पे हम आए हैं। डेटा कितना सही है मुझे नहीं पता बट ये फैक्ट है जो आपका बजट कहता है। इसके साथ ही मैं बात करूं कौशल विकास योजना की तो कौशल विकास योजना के तहत 9.25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें से 4.25 लाख युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में भी इन्वॉल्व किया गया है। या इतने लोगों की मैं बात करूं तो 9.25 लाख लोगों को अगर मैं बात करूं तो कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है जिसमें से सरकार कह रही है कि हमने लगभग 4.25 लाख लोगों को MNCs में या इंडियन जो प्राइवेट निजी कंपनियां हैं उनमें रोजगार के लिए इम्प्लीमेंट किया या बात कही है, ठीक। वहीं पे सरकार कह रही है कि जो वृद्धा पेंशन था, वृद्धा पेंशन और जो विधवा पेंशन था या निराश्रित महिलाओं के लिए वो 500 रुपये को बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया है, ऐसा बात कह रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी के साथ मैं बताऊं कि निराश्रित महिलाओं के लिए 1,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो सरकार कह रही है कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, साथ ही साथ 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों का निर्माण भी निर्माणाधीन है। कहाँ कहाँ है, माँ शाकंभरी सहारनपुर में, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ में और राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ में, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब डेटा कितना हो गया है, पहला 5, दूसरा 5, 6, 3, उसके बाद में फिर 3,
इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये क्या क्या चीज़ें हैं आप नोट करते चलिएगा, ठीक। साथ ही सरकार कह रही है कि 75 नए राजकीय महाविद्यालय स्थापना निर्माणाधीन है, साथ ही साथ में 4 सरकारी ITI कॉलेज की भी निर्माण करने की बात चल रही है। एक डेटा आप यहाँ और इम्प्लीमेंट कर लीजिए, 4। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ सरकार कह रही है कि राम जन्मभूमि मंदिर में अयोध्या धाम पहुंचने मार्ग के निर्माण के लिए सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आप सोचे कि अयोध्या का कायाकल्प कैसा होने वाला है 300 करोड़ रुपए में, ठीक। तो देखने लायक होगा कैसा होता है, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे। अगर मैं वहीं पे थोड़ी सी नज़र डालूं यूपी में वन रिपोर्ट की, फॉरेस्ट की, तो वन रिपोर्ट यूपी में वन एवं वृक्षावरण जो है प्रदेश में कुल भूभाग का 9.2% है। सरकार कह रही है कि हम इसे 2030 तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसे हम लगभग 16% के आसपास लेकर जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो सरकार कह रही है कि हमें कम से कम 30% जो एरिया है वो वृक्ष एवं वृक्षावरण से मतलब इम्प्लीमेंट करना, इतना हमें लगाना है। अगर मैं वही बात करूं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की तो ये आपका प्रयागराज में किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं बस स्टॉप की तो लखनऊ आलमबाग का जो बस स्टॉप है ये PPP मॉडल के आधार पर डेवलप किया गया है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो सरकार कह रही है कि हम 23 ऐसे नए बस स्टॉप को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और PPP मॉडल के आधार पर उसका विकास किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं बात करूं सरकार का जो टैक्स संग्रहण है, सरकार इतना फंड एलोकेट कर रही है लगभग 6,15,000 करोड़ के आसपास, उनमें से जो उसका टैक्स कलेक्शन है वो 1,24,477 करोड़ के आसपास है। अगर वही मैं आबकारी शुल्क की बात करूं तो 49,152 करोड़ के आसपास है, ठीक। अगर मैं कुछ और बात करूं तो स्टाम्प एवं पंजीकरण जो आपका शुल्क है ये 29,692 करोड़, और वहीं पे अगर मैं टैक्स वाहन कर की बात करूं तो 10,887 करोड़ रुपए की बात कही गई है, ठीक। एक कोर्स जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं बजट पढ़ता हूं तो उन बजट पढ़ने के दौरान ये लाइन मुझे हमेशा याद आती है, अदम गोंडवी साहब की लिखी हुई लाइन है, आपको भी अच्छा लगेगा एक बार आप इसे पढ़ेंगे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। अमीरी और गरीबी में ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की और तुम्हारे जाम सोने के, ठीक। तो ये अदम गोंडवी साहब की एक लाइन है जो बजट पे खासकर मुझे याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है, ठीक। तो ये कुछ डेटा थे जिस पे मैं बात कर रहा था। इसके साथ ही मैं बात करूं कुछ फैक्ट्स की, ये फैक्ट्स आपके लिए हैं, इस पे आप अगर ध्यान दें या ना दें डजंट मैटर, बट फिर भी अगर आप एक बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। राजस्व बचत, प्राथमिक घाटा, ब्याज भुगतान, सकल घरेलू उत्पाद या स्वयं कर का प्राप्तियां कैसे किया है, एक बार फैक्ट पे आप नज़र डालेंगे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी मैं बात कर लेता हूं इसी के साथ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये चार्ट बेसिकली इसलिए है कि अगर सरकार 1 रुपए कमाती है तो उन 1 रुपए को कहाँ कहाँ सरकार खर्च करती है, ठीक। कहाँ कहाँ खर्च करती है ये देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से 1 रुपए सरकार के आते हैं ये देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा सरकार के जो सरकार का 1 रुपए आता है, थोड़ा सा आप गौर करिएगा इस बिंदु पे, सरकार कह रहा है जो हमारा 1 रुपए आता है वह स्वयं के कर राजस्व से आता है। सरकार का जो स्वयं का कर राजस्व है ये 36% यानी 36.5 पैसा सरकार अपने यहाँ टैक्स कलेक्शन से जनरेट करती है, नंबर 1 पे। वहीं मैं नंबर 2 की बात करूँ तो सरकार कह रहा है कि जो केंद्र सरकार से हमें राजस्व का बंटवारा किया जाता है, नंबर 2 पे हमें वो प्राप्तियाँ होती हैं, और नंबर 3 पे हमारा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है, ये 17.9 यानी 18% है। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं तो पब्लिक ऋण है यानी पब्लिक डेट है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो फिर आपका आ जाता है करोत्तर राजस्व, इसके बाद में समस्त लेन देन, फिर आपके ऋण एवं अग्रिम वसूली और लेखानुदान व शुद्ध। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टॉप के 2 चीज़ जाननी है कि नंबर 1 पे कहाँ से आता है, नंबर 2 क्या है और नंबर
तीन क्या है, इन तीनों के किन क्षेत्रों में सरकार को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, और अगर पैसे आ रहे हैं तो सरकार उन पैसों को खर्च किन मदों में कर रही है, ये आप देखेंगे। वहीं पे अगर सरकार का सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो कहाँ खर्च हो रहा है ये आप देखने की कोशिश करेंगे। तो सरकार अपना सबसे ज्यादा खर्चा जो कर रही है वो पूंजीगत व्यय में कर रही है। पूंजीगत व्यय की अगर मैं बात करूं, इसके बाद में फिर अन्य राजस्व व्यय पे खर्चा कर रही है। अन्य राजस्व व्यय की बात में बात करूं तो उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि सरकारी वेतन एवं कर्मचारियों के उस पे खर्च कर रही है। इसके बाद में आप देखेंगे कि पेंशन पे खर्च कर रही है। पेंशन के बाद में वेतन एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं पे खर्च कर रही है, सहायता अनुदान पे खर्च कर रही है, सब्सिडी पे खर्च कर रही है, बचत पे खर्च कर रही है, ब्याज पे खर्च कर रही है। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपका टॉप 1, 2 और 3 कहाँ से पैसा आया और किन मदों में पैसा खर्च हुआ, सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही में कुछ डेटा और है कि किन योजनाओं में सरकार कितने पैसे खर्च कर रही है, नॉन रिलेवेंट है बट फिर भी एटलीस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, स्वेच्छा से आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सेम डेटा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया है। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट टॉपिक्स थे या रिलेवेंट डेटा थे, हमने आपसे उसी पे डिस्कशन किया है। इसमें सबसे लास्ट में मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा कि समाज कल्याण विभाग में कितना है, उसके बाद में अनुसूचित जातियों पे कितना किया जा रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना विभाग, सैन्य कल्याण, संस्कृति विभाग, नमामि गंगे विभाग, सिंचाई विभाग और सिंचाई विभागीय अधिष्ठान, ये सारे डिटेल नॉन रिलेवेंट है बट गवर्नमेंट दे रही तो मैंने अब तक डिलीवर किया है। सेम चीज़ें हैं, डेटा है किन योजनाओं में कितना खर्च किया गया है। ये चीज़ें जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको बताया था, आपका ध्यान आकर्षित किया था, क्या था वो एक बार आप यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि 2020 और 21 का वास्तविक आंकड़ा, 2021 और 22 का ये संशोधित आंकड़ा, और उसके बाद में ये पुनरीक्षित आंकड़ा, इसके बाद में 2022 और 23 का अनुमानित आंकड़ा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ये चीज़ें थी आपकी यूपी बजट मैंने आप तक डिलीवर कर दिया है। फॉरेस्ट रिपोर्ट वो भी मैंने आप तक डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप तक डिलीवर करने वाला हूँ, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, जो कि कल तक आप तक डिलीवर हो जाएगी, ठीक। इसके साथ ही आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। 2 तारीख से परीक्षा प्लस टीम आपके लिए करंट अफेयर के भी क्लासेस प्रोवाइड कर रही है, जो कि हम लास्ट के 4 या 5 महीने की करंट अफेयर आप तक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेखपाल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप इन सारे टॉपिक्स को देखते रहिए, कवर करते रहिए, और अगर अन्य सोर्सेस से भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप कवर करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि आप इस लेक्चर को देखिए, ज़रूरी यह है कि आप कहीं से भी बजट को कवर करिए, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपने पढ़ा कहाँ से है, मैटर ये करता है कि आपने वहाँ पर सही किया या नहीं किया, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, किसी से भी पढ़िए, ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।